अब जरा गेस करो कि ये प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस? नहीं, एक्चुअली में ये वीनस है। क्या हुआ? शॉक्ड? ऐसा इसलिए क्योंकि नासा ने हमें बताया ही ऐसा है, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है, बल्कि सारी प्लैनेट्स जो कि नासा हमें बताता है वो पिक्चर से बहुत ही अलग दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्लैनेट्स वाकई में दिखते कैसे हैं और नासा क्यों हमें गलत तस्वीरें दिखाता है? पर इस सब कुछ जानने के लिए बेसिकली हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वही तो आज हम करने जा रहे हैं। जब भी हम स्पेस के पिक्चर्स को देखते हैं, तब हमारे जहन में एक ही बात आती है ना, ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन सच्चाई में क्या ये वाकई में पिक्चर्स वैसी दिखती हैं? क्या अगर हम स्पेस में लेकर जाएं इसको और साइड बाय साइड कंपैरिजन करें, तो हो सकता है कि नजारा बहुत ही कुछ अलग हो। अब नजारा इसलिए क्योंकि स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जिस कलर में इमेजिन कर रहे हो ना, वो कलर तो स्पेस में एक्चुअली मौजूद ही नहीं है। तो आखिर कौन से कलर्स होते हैं जो स्पेस में असल में होते हैं? वेल, नासा से ली गई पिक्चर्स के मुताबिक मर्करी कुछ इस किस्म का दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका रॉकी सरफेस ही उसका असली कलर है, यानी कि ग्रे कलर। इनफैक्ट हमें दिखाई जाने वाली सारे प्लैनेट्स के पिक्चर्स भी ऑलमोस्ट फेक ही होती। प्लैनेट्स का कलर डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में उनके जो एलिमेंट्स और गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो प्लैनेट भी उसी कलर का दिखाई देगा। अब अगर वीनस की ही बात ले लें, तो वीनस सरफेस हम स्पेस से देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी नासा ने इसी एक इमेज भी बताई, जिसे लोग समझने लगे कि वीनस तो ऐसा ही दिखता है। लेकिन जब और रिसर्च हुई, तब पता चला कि वीनस का कलर तो कुछ है ही नहीं, असल में उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में प्रेजेंट यूरिक एसिड क्लाउड्स इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन क्यों साइंटिस्ट हमें ऐसी इमेजेस आखिर दिखाता ही क्यों है, जो रियलिटी में ऐसी होती ही नहीं है? आखिर क्या है इन सब के पीछे की वजह? असल में इन सब चीजों के पीछे का रीजन है साइंस। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो पता ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, और स्पेस में तो सभी तरह की लाइट मौजूद होती है, जैसे कि गामा रेडिएशन, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस हमें इन लाइट का कलर्स ही नहीं पता। और यही वजह है कि साइंटिस्ट हमें ऐसे इमेजेस बना कर देता है जिनके कलर्स को हम डिटेक्ट कर पाए और याद भी कर पाए। तो आखिर ये कलर्स बनते कैसे? वेल, स्पेस के इमेजेस के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को ही साइंटिस्ट को भेजता था। अब साइंटिस्ट को इन इमेजेस को डिफरेंट फिल्टर्स यूज करके एक कलर इमेज बनाना पड़ता था, क्योंकि ह्यूमन आईज की फोटो रिसेप्टर सेल्स सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ को ही समझ सकते, और इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ इन्हीं तीन फिल्टर्स को यूज करके तीन अलग अलग इमेजेस रेडी करते हैं, जिसके बाद उसे कॉम्बिनेशन को मिलाकर फाइनल इमेज को हमारे सामने रखा जाता है। लेकिन सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, अगर हम मिल्की वे की बात करें, जो दिखने में इतना कलरफुल दिखाई देता है, पर सुनकर दुख जरूर होगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ भी एक धोखा हुआ है कि मिल्की वे तो इतना कलरफुल है ही नहीं। अगर आप उसे अपनी आंखों से देखो ना, तो मिल्की वे देखने में तो स्नो की तरह दिखाई देता है, यानी कि मिल्की वे का एक्चुअली कलर तो प्योर व्हाइट है, और इसीलिए शायद इसका नाम भी मिल्की वे ही पड़ा हो। और तो और, जो इतने ज्यादा ब्राइट कलरफुल नेब्यूलास को हमने देख रखा है, जो असल में डस्ट और गैस के बड़े बड़े से क्लाउड्स होते हैं, वो भी एक्चुअली में इतने ब्राइट नहीं होते जितना फोटोज में हमें दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको टेलीस्कोप से देखो ना, तो आपको कुछ चमकीले और अलग अलग कलर्स में दिखाई देंगे, और जैसे ही आप उसके पास जाने लगोगे, तब आपको समझ आएगा कि नेब्यूलास तो सिर्फ ऑलमोस्ट रेड कलर्स के ही होते हैं, और ये कलर भी उनमें मौजूद स्टार्स की वजह से ही होता है, यानी कि जो कलर्स स्टार्स एमिट करेंगे वही कलर नेब्यूला का होगा। और इस सबके अलावा वो जितने ज्यादा क्रीमी और कंडेंस्ड हमें दिखाई देते हैं, वो असल में नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जब साइंटिस्ट से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि स्पेस में नेचुरल ह्यूमन आई से देखी हुई इमेजेस हमें वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाती, इसीलिए तो हमें इतनी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजना पड़ता है, ताकि हम उनको और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन हाँ, ये सब कुछ प्रोसेस जरूर होता है, फोटोशॉप भी जरूर होता है, लेकिन हर एक एस्ट्रोनॉमी चीज डेटा पर बेस्ड है। हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं, हम कुछ भी फेक नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उसी चीज को हाईलाइट करते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर होता है। इनफैक्ट हम अपना साइंटिफिकली जॉब ही तो कर रहे होते हैं।